हेलो गाइस, वेलकम टू एबीपीएस गाइड। सो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो मेरा ये पार्ट नंबर है आपका 13, इसमें मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा, वो भी न्यू पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। अभी देखिए क्या है कि जो आपको होमवर्क मैंने दिया था, होमवर्क ये था कि आपको प्लेस वैल्यू याद करनी है, याद हो गई होगी, और आपको रिवर्स लेटर याद करने हैं। रिवर्स लेटर क्या होता है, जैसे कि बी का रिवर्स क्या होता है, वाई होता है ना, एल का रिवर्स क्या होता है, ओ होता है, ये सब आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए। जैसे जे का रिवर्स क्या होता है, क्यू होता है ना, और डी का रिवर्स क्या होता है, डब्ल्यू होता है कि नहीं होता, ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब किस तरीके से हम इस क्वेश्चन में लॉजिक पकड़ेंगे, आप ये देखिएगा, मेरा तरीका देखिएगा किस तरीके से हम लॉजिक को पकड़ते हैं, ठीक है ना। आपके सामने है, ईजी लॉजिक है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब आपने पहले यहाँ पे देखा कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज सम स्टेटमेंट आर कोडेड एज, तो ये मेरे स्टेटमेंट हैं जिनको कोड किया गया इस तरीके से, ठीक है ना। मैंने यहाँ देखा, सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि यहाँ नंबर नहीं है, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है, कि भाई नंबर नहीं है, चलो अच्छी बात है। मैंने सिम्बल्स देखा और लेटर्स देखा। सिम्बल कितने हैं आप यहाँ पर नोट कर लो, सबसे पहले एट द रेट नोट करो, छोटा छोटा एट द रेट, एम्परसेंड और परसेंटेज, इसके अलावा और कोई तो नहीं आ रहा है सिंबल, तो केवल तीन है। मेरे दिमाग में तुरंत याद आएगा, ठीक है, सिंबल्स के लिए क्या क्या लॉजिक हो सकता है, कि किस तरीके से वो हो सकते हैं, नंबर ऑफ वोवेल्स हो, पहला लॉजिक मेरे दिमाग में ये आएगा, जो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिमाग में आने चाहिए आपको ये सोचना है, या फिर नंबर ऑफ वॉवल्स के हिसाब से हूँ, या फिर नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से हूँ, या फिर इवन या फिर ऑड के हो। अब एक बात सुनो, अब मेरी बात, इवन ऑड वाला कॉम्बिनेशन बहुत रेयरली आएगा, वो तभी पॉसिबल है जब मेरे पास बस दो सिंबल हो, तो इवन के लिए ये वाला हो जाएगा, ऑड के लिए ये वाला हो जाएगा, इस तरीके से जब दो सिंबल तब हम ये वाला कॉम्बिनेशन सोचेंगे। बट मुझे डिसाइड इन तीनों में से करना है कौन सा यहाँ पे परफेक्टली फिट हो रहा है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे हर एक एक चीज़ सोचनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने देखा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल लेटर 6, 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल लेटर 4, 1 2 3 4 5 6 टोटल लेटर 6, 1 2 3 4 टोटल लेटर 4, 1 2 3 4 5 6 टोटल लेटर 6। मैंने यहाँ देखा कि अगर नंबर ऑफ लेटर वाला लॉजिक मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर में 6 यहाँ है, नंबर ऑफ लेटर 6 यहाँ है, तो मतलब कोई एक ऐसा सिंबल होना चाहिए जो तीन बार रिपीट होगा, और वो सिंबल आपको 6 को डिनोट कर रहा होगा, मानते हो मेरी बात को। तो आपने अपने यहाँ देखा, एक बार रिपीट ये हो रहा, और एक ये अलोन एक ये रह रहा, तो भैया ये तो लॉजिक मेरा यहाँ फेल हो जाएगा। समझ रहे हो मैं कैसे पकड़ रहा हूँ लॉजिक, तो ये तो मेरा बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं मेरे पास, लास्ट ये बचा। मैं इस लॉजिक को पकड़ता हूँ और मैं देखता हूँ नंबर ऑफ वॉवल्स, तो यहाँ नंबर ऑफ वॉवल्स 1 2 2 नंबर ऑफ वॉवल्स हैं, यहाँ देखा 2 नंबर ऑफ वॉवल्स हैं, यहाँ देखा 3 नंबर ऑफ वॉवल्स, 1 नंबर ऑफ वॉवल्स, 3 नंबर ऑफ वॉवल्स। अभी देखो, मैंने देखा 2 2 2 बार रिपीट हो रहा, 3 3 2 बार रिपीट हो रहा, 1 अलोन, 1 ऑड, आपको क्या लग रहा है, 1 ऑड चीज क्या लग रही है, 1 1 लग रही है, वर्क लिख लो कॉपी में, वर्क, 1 ऑड आपने निकाल लिया। देखो मेरे लिए ये फायदा हुआ कि एक ये निकल गया कि वर्क का 1 ही वॉवेल आ रहा है। अब एक बात देखो, आपने ये देखा ये 2 बार हो रहा, ये बार 2 बार हो रहा, अब मुझे नहीं पता ये 2 का कोड है, मतलब नंबर ऑफ वॉवेल्स 2 पे ये कोड हो रहा है कि नंबर ऑफ वॉवेल्स 3 पर, हमको क्या पता, अभी नहीं पता। ये देखो ये वाला नहीं, ये वाला देखो और ये वाला देखो, मुझे अभी नहीं, अनोखा तो यही निकला ना मेरे पास, हाथ में मेरे पास ये आया, बस एच एट द रेट जी, 1 का पकड़ लिया मैंने। अब जितना भी प्रैक्टिकल होगा, जितना भी लॉजिक होगा, मैं अब लगाऊंगा इस पे, वर्क पे, और टेस्टिंग के लिए हम और दूसरी चीज़ देख लेंगे,
टेस्टिंग के लिए हम और दूसरी चीज़ देख लेंगे, जैसे कि दूसरे लाइन में भी देख लो, MUST, तो मस्ट क्या है, लिख लो, एक बार वॉवेल आ रहा है, मैंने कहा अच्छा, अब वो एक बार वॉवेल किसके लिए होगा, ऑफ कोर्स परसेंटेज के लिए होगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, परसेंटेज यहाँ पे भी आ रहा है, कोई एक ऐसा होगा जहाँ एक ही बार हो रहा होगा वॉवेल्स, तो देखो जैसे ये सिस्टम, समझ रहे हो, तो सिस्टम भी लिख लो, तीनों ले लो सिस्टम। अभी मुझे नहीं पता कि सिस्टम के लिए ये यूज हो रहा है कि मस्ट के लिए ये यूज हो रहा है, अभी हमको ये भी नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, हम पहले वाले को ही देखेंगे और जो इसमें लॉजिक लगाएंगे वो इसमें लगाएंगे और वो इसमें लगाएंगे और देखेंगे कि क्या है, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, समझना। अब चीज़ों को समझना बहुत आराम से हम समझाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लॉजिक पकड़ो, उसके बाद सारे क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं जितना भी कॉम्बिनेशन होगा इस वर्क में लगाऊंगा। देखो बेटा, जब भी वर्ड आता है तो लेटर से क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो इसके साथ कुछ छेड़छाड़ की है, या तो इसके साथ की है, या फिर सेकेंड लेटर से की होगी, या फिर लास्ट से सेकेंड की होगी, या फिर ये दोनों पेयर का, या तो ये दोनों पेयर साथ छेड़छाड़ की होगी। हम क्या करेंगे, सुनना मेरी बात को, हम क्या करेंगे, WOR के हमको प्लेस वैल्यू याद है कि नहीं याद है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल याद है, बेटा लिख डालो प्लेस वैल्यू लिख डालो सबसे पहले, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, 23 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, के मतलब 11 होता है, और आर मतलब याद रखो क्यू के बाद क्या आता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, क्यू के बाद आर आता है, बहुत इजी है ये, तो मैंने क्यू आपका 17 होता है, तो आर आपका ऑफकोर्स आपका 18 हो जाएगा, बस इस आगे पीछे भी वैल्यू अगर आपने याद की हुई है तो भी आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको 18 ये हो गया। अब क्या है कि मैं क्या कॉम्बिनेशन करूं, देखो यहां नंबर के साथ खेलना है और थोड़ा बहुत लेटर के साथ, देखो यहां मैं क्या कॉम्बिनेशन करूं कि मेरा एच और जी आ जाए, कैसे भी एच की प्लेस वैल्यू जो होती है मेरे पास 8 होती है और जी की प्लेस वैल्यू जो होती है मेरे पास 7 होती है। मैं पहले देखूंगा ये यार 23 के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते कुछ भी, समझना इस चीज़ को, तो 7 तो नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैंने कहा ये ले लो तुम, ये वाला और ये वाला ले लो, 23 में से डिफरेंस ले रहे हैं तो मुझे आराम से दिख रहा है कि 23 में से 5 जाएगा, मतलब -2 -8 8 आएगा, और इसमें से हम करेंगे तो क्या मेरे पास आएगा, 7 आएगा, और यही तो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं 8 और 7। तो कहने का मतलब ये हो गया, अब देखो कहने का मतलब कि अगर हम इनकी डिफरेंस ले ले और इनकी डिफरेंस ले ले, मेरे पास आंसर आ जाएगा, परसेंटेज तो होगा ही होगा दोनों में, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बैठा लो। अच्छा, तो M किसका होता है, M का कोड होता है 13, एग्री, M का कोड होता है 13, U का क्या कोड होता है 21, तो डिफरेंस ले लो, 1 -3 -2, 10 -2 is 8, तो 8 आएगा आपका, किस पे आता है, 8 का मतलब क्या होता है, अभी बताया H होता है, तो H, S और T, भैया सुनो, S और T, T होता है 20, S होता है 19, डिफरेंस लिया 1, 1 की प्लेस वैल्यू A, 1 की प्लेस वैल्यू A, तो A हो गया, इसका मतलब कन्फर्म, मस्ट किसके लिए कोड हुआ है, इसके लिए ये रहा, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम किसके लिए होगा, एफ के लिए होगा, एफ परसेंट एच, बस कोड पकड़ लिया, लॉजिक पकड़ लिया, अब बस अब क्वेश्चन पे स्विच हो जाएंगे। लॉजिक यही है कि लास्ट के दो लेटर को पकड़ के डिफरेंस लो, इसका लो, जो डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू यहां लिख दी, इसको वैल्यू यहां लिख दी, बस समझ गए लॉजिक, समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, अब इसकी कोई नीड नहीं है, बस इतना देख लो कि क्या पकड़ा हमने ये देखा कि नंबर्स कैसे, ये लेटर कैसे आ रहे हैं, डिफरेंस लेके आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो बस परसेंट किस में होगा, नंबर वॉवल्स अगर 1 है तो, समझना। अब हमें चेंज को देख लेना एक बार, बस ये पता चल जाए, तो हमको ये पता चल जाए कि किस नंबर ऑफ वॉवल्स के लिए एट द रेट यूज़ हो रहा है, किस वॉवल्स के लिए, कितने नंबर ऑफ वॉवल्स के लिए एम परसेंट यूज़ हो रहा है, तो चेंज का देख लेते हैं क्या कोड होगा। CH लेंगे और
स्टार्ट लास्ट के जी ई लेंगे बस। सी मतलब होता है 3 और एच मतलब होता है 8, तो आपका हो गया 5। 5 किस पे होता है? ए बी सी डी ई एफ, सॉरी 5 होता है ई पे, तो ई ई आपका ये आ रहा है ये। अच्छा ये वाला देखो, जी आपका होता है 7 पे, ई होता है आपका 5 पे, तो 2, 2 किस पे होता है? बी, मतलब कि ये हो गया ई और बी, और बीच में क्या? एट द रेट, एट द रेट मतलब कितने नंबर ऑफ वॉवल्स के लिए? 1 2 2 नंबर ऑफ वॉवल्स के लिए एट द रेट, और जो 3 नंबर वॉवल्स के लिए होगा एम परसेंट। बस हो गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। पूरा लॉजिक क्लियर है अब आपके साथ, अब आप क्वेश्चन पे स्विच हो सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि करेक्ट टाइम अराउंड का कोड क्या है। पहले सबसे पहले ये देख लो कि यहाँ नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। नंबर ऑफ वॉवल्स कितने? तो आप कहोगे सर 2 हैं, यहाँ कहोगे तो बोलोगे सर 2 हैं, यहाँ पूछूंगा तो कहोगे 1 2 3 है, 3 नंबर ऑफ वॉवल्स हैं यहाँ पे। तो मतलब मेरा जो कोड होना चाहिए वो होना चाहिए एट द रेट, एट द रेट और एम परसेंट में होना चाहिए। तो ये कहाँ मिल रहा है ये देख लो, एक तो एट द रेट एम परसेंट ये मिल रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा मेरा आंसर। ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब नन ऑफ दिस, अगर ये दोनों नहीं हुए तो नन ऑफ दिस हुआ, तो भैया मजबूरी में। अब पहले मैंने सोचा कि शॉर्टकट ट्रिक देख ले, अगर ये पैटर्न किसी एक में मिल जाता तो मेरा वही आंसर हो जाता, बट एंड में नन ऑफ दिस दिया तो मुझे अब मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टार्टिंग के 2 लास्ट के 2, मतलब सी और ओ और सी और टी। तो यहाँ पे सी का मतलब क्या हुआ? 3। ओ का मतलब 15, 15 माइनस 3 12, 12 किस पे आता है? किस पे आता है? एल पे आता है। सी और टी, सी 3, टी मतलब 20, 20 माइनस 3 17, 17 किस पे आता है? 17 क्यू पे आता है, तो एल एट द रेट क्यू। समझ रहे हो बात को भाई? समझ रहे हो ना? ये है 3 नंबर ऑफ वॉवल्स वाला, तो जो भी होगा वो इसमें हम यहां लिखेंगे, ठीक है ना। तो एल एट द रेट क्यू। बात 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 का देखो क्या है, उसके बाद क्या है? टाइम, टी मतलब 20, आई मतलब 9, डिफरेंस लेंगे 11, 11 मतलब, 11 मतलब के, ओके के किस में आ रहा है? के यहां आ रहा है। अब देखो एक बार के आ रहा है, आ रहा है तो पूरा मत जाओ, कि जाओगे मजबूरी में अब ये कहोगे कि सर मेरा ये तो ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे के दिख नहीं रहा है, के तो मुझे यही दिख रहा है केवल, तो मेरा यही आंसर। अब देखो आपके पास टाइम तो है नहीं, मान लो टाइम नहीं है, सबमिट होने वाला है, तो आप इस पर टिक कर दो, ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि आप इस पर टिक कर दो। लेकिन मन में तो डाउट यही आएगा ना कि नन ऑफ दीज भी तो हो सकता है, अगर ये वाला ना पूरा हुआ तो पूरा करना पड़ेगा। अब पूरा करना पड़ेगा तो टाइम में क्या है? एम और ई लास्ट में, तो आपका 13 माइनस 5 कितना होता है? 8 5 13, तो 8, और 8 किस पे होता है? एच पे, तो के एट द रेट एच भी दिख गया यहाँ पे। अब ये लास्ट का कोड दिखना चाहिए अब हमको बस, ये है ना। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, दिक्कत की बात नहीं है, प्लेस वैल्यू याद है तो जल्दी ही हो जाता है। ए मतलब 1 होता है और आर मतलब 18 होता है, आर मतलब 18, 18 में से एक जाएगा 17, 17 किस पे होता है? 17 होता है आपका क्यू पे, तो क्यू दिख गया, है ना, क्यू दिख गया। और लास्ट आपका देखो एन और डी, और एन होता है 14, डी होता है 4, डिफरेंस ले लिया 10, 10 पे जे होता है, जे हो गया। अब मेरा आंसर यही कंफर्म है, अब तो कंफर्म के साथ कह सकता हूँ नन ऑफ दीज तो नहीं है। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके क्लियर, ठीक है। अब लॉजिक पकड़ में आ गया तो ये भी कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे क्या कहता है, मुझे फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, यहाँ पे 2 का कोड दिया हुआ है, 2 का कोड मुझे पहचानना है। देखो सबसे पहले फोकस किस पे करेंगे ये देखना, पहले हमने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवल्स क्या है। चलो पहले अब हम डिफरेंस वाला ले लेते हैं, एच ई, एच मतलब होता है आपका 8, ई मतलब होता है 5, डिफरेंस लेंगे कितना आएगा? 5 3 8, 3, 3 मतलब होता है सी, सी दिख रहा। लास्ट में देख लो वी और वाई, सी हो गया, वी और वाई। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना, वी और वाई, वी किस पे होता है? बोलोगे 22 पे होता है। वाई किस पे होता है? याद होगा एक्स वाई जेड 25 पे होता है, 25 माइनस 2 3, 3 किस पे है? सी पे है, तो सी। नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं? 1 2, 2 मतलब एट द रेट,
सी एट द रेट, सी एट द रेट सी, सी एट द रेट सी, ये वाला कोड इसके लिए हो गया। अब इस सिस्टम का कोड देख लो, तुम सिस्टम का कोड देख लो, तुम सिस्टम का कोड देख लो, सिस्टम का कोड एस वाई ई एम, एस वाई, एस वाई, एस मतलब 19, वाई मतलब 25, कितना डिफरेंस आया, 19 में एक तो 20 और पाँच एक छः, छः का डिफरेंस आ रहा है, छः का डिफरेंस आ रहा है, छः किस पे होता है, एफ़ पे होता है, तो एफ़ मिल गया मुझको, देखो यहाँ पे एफ़ मिल गया, ये देखो एफ़ मिल रहा। अब यहाँ देख लो, ई मतलब 5, एम मतलब 13, 8 5 13 8, 8 किस पे होता है, एच पे होता है, एच, नंबर ऑफ वॉवल्स 1, तो ये पूरा समझ में आ गया। अब हमको ये आइडेंटिफाइड हो गया कि ये और ये, मतलब अब फोकस किस पे करना है, सिर्फ इस पे चेक करना है मुझे, ये क्या कोड दे रहा है, तो मैं देख रहा हूँ परसेंट मुझे दिख रहा है, परसेंट दिख रहा है मुझको, परसेंट मतलब नंबर ऑफ वॉवल्स 1 होने चाहिए, यहाँ 2 आ रहे हैं हटा दो रिजेक्ट, यहाँ 1 आ रहा और यहाँ आ रहा, तो देखो यहाँ पे आपका 1, तो ये मेरा हो सकता है ऑप्शन, यहाँ देखो हटा दो, एक एक आना चाहिए, यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ आ रहा है, ये मेरा ऑप्शन हो सकता है, फिर से देखो 2 बातें निकल के आ रही हैं, फिर से 2 बातें आ रही हैं, अब आपका लक, आप पहले इसको चेक करो या फिर इसको चेक करो, आपका लक है, एक ही बार में मान लो निकल के आ जाए, तो सुनो बी और एल और एन और डी ब्लाइंड, ठीक, बी मतलब होता है 2, एल मतलब होता है 12, 12 महीने से 2 10, 10 का होता है जे, जे है, हाँ जे है, ठीक है, समझना इस चीज़ को, एन और डी मतलब 14 4 10, सुनना 14 14 4 10 मतलब फिर से जे, तो क्या जे परसेंट जे आ रहा है कहीं कोड में, नहीं आ रहा है, तो मेरा ये तो बिल्कुल नहीं है, ये कतई नहीं है। अब लेकिन एक बात बता दें, नन ऑफ दीज दिया हुआ है, तो मजबूर हो गया हूँ मैं फ्रेंड्स, मुझे मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है, इसको पूरा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नन ऑफ दीज दिया हुआ है ना, ये भी तो नहीं हो सकता ना, हम कन्फर्म तो नहीं, तो मुझे करना पड़ेगा। अब कन्फर्म करने के लिए तो वहीं अपना फंडा, मार्क है एम ए और आर के है लास्ट में, है ना, तो एम मतलब आपका 13, एक मतलब ये 13 माइनस 1 आपका 14, और 14 मतलब क्या है, 14 मतलब क्या है, एम एन है, एन है, एक सेकेंड मिस्टेक की है क्या, 13 माइनस 1 14 होता है क्या, क्या 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 लॉजिक लगा रहे, 13 माइनस 1 होता है 12, अब 12 मतलब क्या होता है, एल होता है, बिल्कुल, आर, आर मतलब क्या होता है, 18, आर मतलब 18 माइनस आपका क्या है, के है तो 11, तो कितना हो गया 7, 7 किस पे होता है, जी पे होता है, एल परसेंट जी दिख रहा है मुझको, एल परसेंट जी, ये रहा दिख गया, तो मतलब मार्क का कोड मिल गया, ब्लिंक का कोड ये होना चाहिए, ब्लिंक का कोड ये होना चाहिए बस। अब देखो बी एल और एन के, यहाँ एन होता है 14, यहाँ के मतलब होता है 11, माइनस ले लेंगे तो 3, 3 पे सी हो रहा है, बिल्कुल सी हो रहा है, यहाँ बी मतलब होता है 2, एल मतलब होता है 12 और 12 में से 2 जे, बस जे और सी मिल गया हमको, तो मेरा कोड यही हो गया, मेरा ऑप्शन नंबर डी। बहुत केयरफुली देखो, कुछ नहीं, जैसे अभी देख रहे थे हम क्या कर रहे थे, 13 माइनस 1 को हम 14 बना रहे थे, है ना, तो ऐसी मिस्टेक होती है एग्जाम में, आता सब है लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो बहुत एकदम बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग और वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यूज। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज दिस एंड दिस इन द गिवन लैंग्वेज। तो मुझे ये दिख रहा है, जो भी होगा एक में होगा 1 नंबर ऑफ वॉवल्स और एट द रेट मतलब 2 नंबर ऑफ वॉवल्स, है ना, तो 2 नंबर ऑफ वॉवल्स, तो मुझे पहले ये वर्ड ढूंढना होगा, तो 1 2 3 यहाँ हो जा रहा है 3 नंबर ऑफ वॉवल्स, 1 2 3, ये तो मेरा नहीं आंसर, ये देखो एक वॉवल और यहाँ पे भी एक वॉवल, पर बोला क्या है 2 और 1, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे देखो बेटर रिस्क, यहाँ 2 वॉवल यहाँ 1 वॉवल, मेरा आंसर हो सकता है ये
एक वॉवेल, दो वॉवेल, मेरा आंसर हो सकता है ये। फिर से देखो आ गया, अब कुछ नहीं है मेरे हाथ में, अब कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में, मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देखो बी और ई, और ई और आर, बी मतलब दो, ई मतलब पांच, पांच में से दो जाएगा तीन, तीन मतलब आपका सी, ई और आर, ई और आर, ई मतलब पांच, आर मतलब 18, 18 में से पांच जाएगा आपका बचेगा 13, यही बचेगा ना, 18 में से पांच जाएगा 13, सही है, एग्जैक्टली। अब कंफ्यूजन होता है कि मिस्टेक ना हो, ठीक है चलो। 13, 13 मतलब क्या हो जाता है आपका, के आपका 11 पे है, एल आपका ये है, के आपका 11, एल आपका 12, एम आपका 13, तो 13 हो गया। तो सी और एम मिल रहा है, ये देखो, यह देखो, यहाँ मुझे मिल रहा है सी एट द रेट एम, क्योंकि दो वॉवल थे तो एट द रेट हो गया। रिस्क के लिए देख लो, आर आई और एस के, तो आर आपका 18, आई मतलब 9, डिफरेंस लिया, पहले 8 हटाया तो 10 हुआ, एक और हटा दिया तो 9 हो गया, तो 9 में से आपका हो गया आई, आई है बिल्कुल है। एस और के, एस और के, एस आपका किस लिए होता है, 19 के लिए, 19 के लिए होता है, एस टी, हाँ 19 के होता है, के आपका होता है 11 के लिए, कितना डिफरेंस ले लिया, 8, 8 का आएगा ना, 8 का आएगा, 8 मतलब क्या होता है एच, तो एच आ गया, आई परसेंटेज एच, मतलब मेरे कंफर्म हूँ, अब तो कंफर्म हूँ, ऑप्शन मेरा सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा देख लो कैलकुलेशन करना पड़ा है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की ओर, वहां पे लॉजिक क्या होता है वो देखते हैं। अच्छा मजा आया आपको ये सेट करने में, ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट सेट देखते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बोला है पांच सेट लूंगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पांच हो जाएं, वैसे समझाने में टाइम लग रहा है, तो अगर चार सेट हो जाते तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है, बट मैं आपका कोटा पूरा कर दूंगा कोडिंग डिकोडिंग में, घबराइएगा नहीं, ठीक है। ये सेट समझ में आ गया, इसमें लॉजिक क्या लगाया समझ में आया, अब हम लोग नेक्स्ट सेट की ओर देखते हैं, ठीक है ना। अब ये रहा सेकेंड सेट, ठीक है। देखो आपके सामने क्वेश्चन है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि यहाँ सिंबल नहीं है, यहाँ लेटर है और नंबर है, और नंबर भी तो देखो कितने छोटे छोटे हैं, 9, 2, 1, 3, 5, 4, 4, 2, तो एक चीज ये तो फिक्स हुई कि कोई भी नंबर 26 से एक्सीड तो कर नहीं रहा है, 26 से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि ये जो नंबर्स हैं वो या तो किसी लेटर की प्लेस वैल्यू है, मेरे दिमाग में ये लॉजिक आएगा प्लेस वैल्यू है, या फिर किसी भी दो नंबर का, दो नंबर का डिफरेंस हो रहा होगा। तो देखो डिफरेंस हो रहा होगा, सबसे पहले मैं ये दोनों लॉजिक चेक करूंगा, डिफरेंस हो रहा होगा, ठीक है। तो डिफरेंस मैंने पहले ये दोनों लॉजिक चेक करूंगा, नंबर पे अगर मैं आऊंगा तो, पर उससे पहले, उससे पहले समझते हैं ये इस चीज़ समझ में है कि नंबर्स के लिए मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा, पहले या तो प्लेस वैल्यू होगी किसी वैल्यू किसी लेटर की, या फिर वो डिफरेंस होगा। चलो अब आ जाते हैं, अब हम समझते हैं, पहले पहले मैंने कहा कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो मैं देख रहा हूँ कि कोड में कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे X2 दिख रहा है और K2 दिख रहा है, T1 दिख रहा है, Y1 दिख रहा है। सर ये कैसे कॉमन हुआ, नंबर देखो ना, नंबर तो कॉमन है ना, यहाँ यहाँ नंबर कॉमन है, नंबर कॉमन है, पर ये लेटर कहाँ से आ रहे हैं, ये लेटर कहाँ से आ रहे हैं, इनको देखते। तो सबसे पहले मैंने कोर को पकड़ा, कोर मेरे दिमाग ने कहा कि इसकी रिवर्स लिखो, रिवर्स याद है ना सबको, रिवर्स याद है ना सबको, मैंने ट्रिक भी बताई है कि किस तरीके से याद करते हैं। आपको अगर लिंक चाहिए तो आप बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक कर दूंगा। मैंने कोडिंग डिकोडिंग, आप जाना यूट्यूब पे लिखना कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 IBPS गाइड, बस इतना लिख देना, आपको मेरा लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, वहां पे मैंने ट्रिक बताई बहुत अच्छी कि किस तरीके से याद होगा, आई होप सबको याद भी होगा। तो अगर मैं रिवर्स देखूं, अगर मैं रिवर्स देखूं यहां से, तो सी का रिवर्स क्या है, एक्स है, ओ का रिवर्स क्या है, एल है, आर का रिवर्स क्या है, आई है, और ई का रिवर्स क्या है, ई का रिवर्स वी है, मुझे याद है, देखिए ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि यहां पे मैं कोई एक लेटर को देख रहा है, मेरा जो यहां पे प्रेजेंट है बिल्कुल एक्स के साथ 2 आ रहा है, कंफर्म है कि ये वाला है, लेकिन अभी भी क्या कंफर्म हो क्या कि कोर का कोड X2 है, नहीं अभी भी नहीं, आगे भी चेक कर लेते हैं सपोर्ट के साथ, SUPPORT, ठीक है। मैंने रिवर्स लिखा, मैंने ये सोचा कि पहले का ही रिवर्स लिख दो ना, S का ही रिवर्स कर दो, तो S का रिवर्स क्या होता है, हाई स्कूल,
याद है ना, हाई स्कूल, ये सी एक्स कैसे आया था, क्रिसमस, तो मैंने ऐसे याद किया है, हाई स्कूल, एच एस, तो एच आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, अभी भी कंफर्म नहीं हूँ, और कंफर्म होना है गिवन का देख लो, जी आई वी ई एन, जी का उल्टा क्या, ग्रैंड ट्रंक रोड, टी, तो टी है, बिल्कुल टी है, अब लास्ट डी है, डायग्राम, तो डी का उल्टा क्या, डी का उल्टा विंडो होता है, डोर विंडो, तो डब्ल्यू है, बिल्कुल है, तो मतलब अब मैं कंफर्म तो कह सकता हूं ना कि पहले लेटर का, पहले वर्ड का पहला लेटर उसका रिवर्स, सर आप यहां पे भी चेक कर लो, एन, एन का रिवर्स क्या होता है, तो आप कहोगे एन का रिवर्स क्या होगा, एन का रिवर्स आपका हो जाता है क्या, एन का रिवर्स क्या, मैं एकदम माइंड से उतर गया, एन का रिवर्स एम, हाँ कैसे, नाइट और मॉर्निंग, ऐसे याद किया मैंने, नाइट और मॉर्निंग, मॉर्निंग और नाइट, वैसे पी का, पी का मैंने बताया, देखो हंसना नहीं आप लोग, कमला पसंद याद होगा, कमला पसंद, तो के पी, पी का उल्टा के, और के भी है, तो देखो एम भी है, के भी है, सी का उल्टा एक्स, अभी बताया एक्स भी है, आर का उल्टा आई, आई भी है, तो हर चीज दिख रही है, इतना तो अब कंफर्म हो गया हूं, अब ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं सर, तो मैंने कहा ये दोनों पकड़ लो, इन दोनों चीज को पकड़ लो, तो मैंने पकड़ लिया इन दोनों चीजों को, पकड़ा मैंने और देखा सी ओ आर ई, अब कैसे दो आएगा यहां पे, ये सोचो, यहां की प्लेस वैल्यू लिखो 3, 15, 18 और 5, ना चाहते हुए भी आपका जाएगा मन की सर, पहले और लास्ट का डिफरेंस लिया गया है बेटा, देखो डिफरेंस लिया गया तो डिफरेंस कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट लेटर्स के प्लेस वैल्यू का ही डिफरेंस हो, क्योंकि क्योंकि बिलो में देखो, बिलो में देखो बी आ रहा है और डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है 23, बी होता है 2, तो 23 - 2 करने पे तो 21 आना चाहिए जो कि 2 डिजिट है, और यहाँ पे 2 डिजिट नंबर ही नहीं है, मेरा लॉजिक यहाँ आके फंस जाएगा, फिर मैं कहूँगा कि देखो डिफरेंस जब भी लिया करो ना, तो एक तो इस तरीके से, और एक यूनिट डिजिट पे भी तो लिया करो, अगर 2 डिजिट आ रहे हैं तो उनकी यूनिट डिजिट का डिफरेंस लिया करो ना, वो भी तो एक लॉजिक है, लिख लो अपनी कॉपी पे, वो भी तो एक लॉजिक है, ठीक है। अब आओ, अब क्या करेंगे, मैंने कहा पावर का कोड, पावर, पावर का कोड क्या होता है, सुनो मेरी बात, पावर का कोड X2 है, पर ये 2 आया कैसे, P की वैल्यू क्या है 16 है, R की वैल्यू क्या है 18 है, अभी डिफरेंस देखा जाए तो इन्हीं दोनों का केवल, तो ऑफ कोर्स 2 आएगा, लेकिन नियर के केस में, नियर के केस में N होता है 14 मानते हो, R होता है 18 मानते हो, तो डिफरेंस लिया तो कहोगे सर 4, और देखो यहां पे एम के साथ 4 आ भी रहा है भाई, एन का उल्टा एम, तो अभी भी यही लग रहा होगा कि यूनिट डिजिट का आ रहा है। फिर देखो बिलो पे जब आओगे और कंफर्म कराओ ना, कैसे कंफर्म कराओगे भाई, नजर जानी चाहिए बड़े लेटर पे, तो अभी मैंने बताया ये 23 और ये 2, क्या डिफरेंस 23 - 2 21 आ रहा है कहीं, हाँ बी का उल्टा मुझे पता है वाई होता है, वाई के साथ क्या लेटर दिया हुआ है, 1 दिया है, अब ये 1 कैसे आया होगा, खुद सोचो ये 1 कैसे आया होगा, यस यूनिट डिजिट, 3 - 2, 3 - 2, अगर 2 डिजिट वाला नंबर आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट हम कंसिडर करेंगे, समझ में आया, लॉजिक समझ में आ गया। अब देखो, देखो फ्रेंड्स थोड़ा सा लेंदी जा रहा है वीडियो, और लेंदी वीडियो किसी को पसंद नहीं होता है, तो मैंने सोचा एक वीडियो में 2 सेट लेता हूँ बहुत है, तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं यही दोनों सेट लिया है, ठीक है ना, तो बुरा मत मानिएगा, मैंने बोला था 5 सेट लूंगा, लेकिन हाँ जो मैंने 5 सेट का टारगेट लिया है कि मैं आपको क्वेश्चन कितने कराऊंगा, आपको मैंने बताया था कि 5 पढ़ा, मतलब 25 सेट तो मैं कराऊंगा कराऊंगा, वो चाहे एक दिन में एक कराऊं चाहे एक दिन में 2 कराऊं, लेकिन 25 सेट आपके कोडिंग डिकोडिंग के मैं कराऊंगा, इसकी मेरी इतना तो आप मुझ पर ट्रस्ट रख लो, ठीक है ना, तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। चलिए लॉजिक पकड़ लिया हम लोगों ने, हम लोगों ने सब चीज़ कर लिया, लॉजिक क्रैक कर लिया, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, बैंक सर्विस सेंटर क्या कोड हो सकता है, तो मैंने देखा बी, बी का उल्टा वाई, अभी सिर्फ लिख लो वाई, एस का उल्टा एच लिख लो, सी का उल्टा एक्स, तो वाई एच एक्स किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, वाई एच एक्स इसमें आ रहा, ये मेरा आंसर हो सकता है, बट नन ऑफ दीस है, जिसकी वजह से मुझे एक और वैल्यू याद देखनी पड़ेगी, बी की प्लेस वैल्यू 2, के की प्लेस वैल्यू 1,
इलेवन होता है, मतलब के की प्लेस वैल्यू इलेवन, मतलब टू माइनस वन लेना पड़ेगा तो वन आएगा, वन आएगा तो वाई के साथ वन है, बिल्कुल है। एस, एस का क्या होता है, नाइनटीन होता है। ई का क्या होता है, पाँच होता है। नौ में से पाँच हटाना पड़ेगा तो क्या आएगा, चार, एच के साथ चार आ रहा है। यहाँ सेंटर, अब सी तीन होता है, आर अट्ठारह होता है, पर यूनिट डिजिट लेनी पड़ेगी, आठ में से तीन पाँच, तो एक्स के साथ पाँच तो बिल्कुल आ रहा है। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट, बोलो हाँ कि ना, निकाल लिया ना, लॉजिक क्रैक किया और तुरंत क्वेश्चंस को देखो किस तरीके से मक्खन की तरह मेरा सारा होता जा रहा है ना। अभी देखो अब क्या है ना फ्रेंड्स, इस सेट में, इस सेट में, इस वीडियो में मैं आपको तीन सेट दिखाऊंगा, एक तो करा दिया और एक ये वाला और एक छोटा सा और बताऊंगा, उसमें करना क्या है मैं ये बता दूंगा, लेकिन वो करना आपको है घर से। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेकर आऊंगा तो सबसे पहले वहीं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है ना। तो मतलब एक वीडियो में मैंने तीन तीन सेट ले लिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा अभी क्या है ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे, कर लोगे कमेंट, लॉजिक आप लोगों को क्रैक हो चुका है, कमेंट करो जल्दी से। अब इसका देख लेते हैं, इसके बाद हम जो लास्ट क्वेश्चन है आपको वो दिखा देते हैं और उसमें करना क्या है वो दिखा देंगे, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आर कोडेड एज M4 F4। अच्छा ठीक है, देखो M, M किसका हो सकता है, N का है, हो सकता है क्या, N का ही है। W, अब W किसका कोड हो सकता है बताना, W का क्या हो सकता है, डोर विंडो मैंने बताया था, तो D। F, F मतलब फेयर तो अनफेयर, तो देखो जो भी होगा N D U, U आ रहा है, जी कहाँ से आ गया भाई, जी तो बिल्कुल नहीं है, जी नहीं है, जी नहीं, ये आने चाहिए मेरे ऑप्शन में, मेरे ऑप्शन में पहले वर्ड में जो लेटर होने चाहिए वो ये होने चाहिए, एन डी यू नहीं है तो हटा दो, हटा दो, हटा दो, ये भी नहीं आ रहा है, तो क्या हो सकता है भाई, नन ऑफ दीज है क्या इसका आंसर, बिल्कुल नन ऑफ दीज हो भी सकता है। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, देखो क्रॉस चेक करते हैं, एम का उल्टा तो एन होता है मॉर्निंग नाइट, W का उल्टा D होता है डोर विंडो, F का उल्टा U होता है NDU, N है पर यहाँ D नहीं है हटा दो, D है पर N नहीं है हटा दो, D है D, G कहाँ से आ जाए, G तो आ ही नहीं सकता, हटा दो, ये भी हटा दो, हाँ अब कन्फर्म है नन ऑफ दिस होगा, इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। देखा इस तरीके से, ये बस क्रॉस चेक हमने कर लिया था। अच्छा तो ये समझ में आ गया कि किस तरीके से मैंने क्रॉस चेक किया, बस पहला लेटर का रिवर्स करके देख लिया यहाँ पे क्या क्या है, नहीं आ रहा कर दिया, इसको कमेंट करो। अब आ जाते हैं वो लास्ट क्वेश्चन की ओर कि इसमें करना क्या है, ये रहा रहा लास्ट क्वेश्चन, मैं इसको रब कर दूँ या रहने देता हूँ, किया क्या है, देखो मैं पहले थोड़ा सा बड़ा कर दूँ क्योंकि दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, रुक जाइए मैं थोड़ा सा इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ वरना आप लोगों को दिखेगा नहीं ना ऐसे, चलो अब दिख रहा है थोड़ा सा रब कर दे, देखो चलो क्वेश्चन पढ़ो, पहले पढ़ लो, ये करना आपको है, मैं कराऊंगा नहीं, ये करना आपको बहुत इजी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके आरआरबी आरआरबी के पीओ में या फिर क्लर्क में आ जाए प्लीज फ्रेंड्स छोड़ना नहीं, सुन लो पहले हो क्या रहा है यहां पे, सुन तो लो पहले, इन अल्फाबेटिकल सीरीज ए से लेके जेड तक ईच लेटर एक्सेप्ट वॉवल मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ के और एक्स को छोड़ के डिफरेंट नंबर असाइन हुए हैं ए से लेके जेड तक के, डिफरेंट नंबर जो भी लिमिट है वन से लेके सात तक की है, फॉर एग्जाम्पल बी इज कोडेड एज वन, सी इज कोडेड एट टू, लाइक दिस, जे से लेके सेवन, एंड अगेन दूज नंबर गेट रिपीटेड मतलब फिर से वो नंबर रिपीट हो रहे हैं, सात के बाद फिर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये साइकिल चल रही है, अभी बता रहा हूँ समझिएगा। उसके बाद ईच वॉवल एंड एक्स इज असाइन टू अ डिफरेंट सिंबल, ये सिंबल्स हैं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स को पहचानना है कि कौन सा सिंबल्स किस वॉवल के लिए है, कौन सा सिंबल किस वॉवल के लिए। तो सबसे पहले अपनी कॉपी पर लिखोगे वो ए बी सी डी जो जिसमें आप वॉवल्स को नहीं इंक्लूड करो, जैसे ए बी सी डी ई नहीं लिखेंगे, एफ जी एच आई नहीं लिखेंगे, जे के एल एम एन ओ नहीं लिखेंगे, पी क्यू आर एस टी यू यू नहीं लिखेंगे भाई वॉवल है, वी डब्लू एक्स वाई जेड। अब समझना यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू
3, 4, 5, 6 और ये 7। समझ में आया? समझ में आया हो क्या रहा है? साइकिल फिर से रिपीट हो रही है इस तरीके। अभी हम कर नहीं रहे क्वेश्चन, सिर्फ बता रहे हैं। अब देखो वॉवेल्स हुए ए, ई, आई, ओ और यू, हुआ वॉवल यू। अब यहां आपको सिंबल लिखना है कि कौन सा सिंबल इनमें से है और एक्स का सिंबल कौन सा है। कैसे पता चलेगा? देखो यहां रॉक देखा, आर, आर किसके लिए है? सेवन के लिए है, आर सेवन के लिए है। ओ के लिए क्या है मुझे नहीं पता, ओ तो वॉवेल है, सिंबल आएगा। सी के लिए क्या है? टू। के लिए क्या है? वन। तो 7, 2, 1 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। मतलब ओ का एक जो वॉवेल है उसका कोड है एम परसेंट, तो ओ का कोड हो गया एम परसेंट, ओ का कोड हो गया एम परसेंट। म्यूजिक, म्यूजिक में कितने आ रहे हैं? म्यूजिक में कितने आ रहे हैं? यू आ रहा है और आई आ रहा है, यू आ रहा है, आई आ रहा है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्या आएगा, लेकिन यहाँ से अगर आई का कोड निकाल ले तो आई का ये यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन होगा और जो बचेगा वो यू के लिए कोड हो जाएगा। तो अब हम नाइट पे आ जाएंगे। अब देखो नाइट के लिए एन, एन के लिए क्या है कोड? एन के लिए 4 है, मतलब ये वाला कोड आएगा। और आई के लिए स्टार है, तो आई के लिए स्टार हो गया। और यू के लिए क्या होगा? यहाँ पे स्टार होगा और यू के लिए क्या होगा? एम्पर, सॉरी एट द रेट, यू के लिए एट द रेट, ए और ई के लिए बचा। समझ रहे हो कोड? मैं हर चीज़ कर दे रहा हूँ, बस आपको घर से करके आना, मतलब मैं ये डिस्कस भी नहीं करूँगा अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने हर चीज़ आपको कर दी। अब आपको कमेंट करना है, ओनली कमेंट करना है। कैसे? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर, ठीक है ना, कमेंट करना है। देखो हर चीज़ बता दी है मैंने, हर चीज़ बता दी, कुछ कर इसमें है ही नहीं यार, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे ईजी, ए और ई का कोड कैसे पता लगाओगे? यहाँ ई दिख रहा है ना। एन देखो, एन के लिए क्या था? एन के लिए 4 था, 4 था, और डी के लिए 3 था, 4 और 3 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, मतलब ई के लिए हैश है, ई के लिए हैश है। अच्छा ए के लिए क्या है? ए आपका पार्टी में आ रहा है ना, पार्टी में आ रहा है, तो पी का के लिए क्या है? 5 है, 5%, मतलब ए के लिए परसेंट हो गया। अब एक्स के लिए क्या है? बचा क्या बेटा? डॉलर बचा, तो डॉलर ये हो गया। सारा कोड आपके सामने ये लिखा हुआ है, बस अब यहीं से मैच करा करा के, यहीं से मैच करा करा के सारे आंसर लिखने हैं। कहने का मतलब अगर हम पहला क्वेश्चन का आंसर हम बता दें तो क्या होगा? टी, टी का कोड क्या है? देखा यहाँ पे 2 है। ओ एक वॉवेल था, ओ के लिए एम परसेंट था, लिख दिया। यू के लिए एक वॉवेल था, एट द रेट था, लिख दिया। आर के लिए कोड था 7, 7 लिख दिया। आई के लिए, आई के लिए स्टार था, स्टार। और एस के लिए, एस के लिए 1 था, 1। टी के लिए, टी के लिए, टी के लिए 2 था, 2। ये कहाँ दिख रहा है? ये कहाँ दिख रहा है? 2 एम परसेंट, 7 स्टार, 1, 2, 7 स्टार, 1, 2। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, ये आपको खुद ही दिखाना है, इसका आंसर और इसका आंसर आप लोग को खुद लिखना है। समझ में आया? अच्छा था ये तो। मैंने इस वीडियो में 3 सेट लिए हैं, ठीक है, तीनों में देखो अलग अलग लॉजिक था ना, फ्रेंड्स था ना, बताओ मज़ा आया? अब आप लोग चाहते हो क्या मैं नेक्स्ट वीडियो में भी नया लॉजिक लेके आऊँ, कुछ अच्छा लेके आऊँ? आप लोग लिखते रहना, ये सब चीज़ लिखते रहना। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी पीडीएफ नहीं दूंगा, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। मेरा एक बार टास्क पूरा हो जाए, जैसे मैंने पजल एंड सिटिंग में मेरा टास्क पूरा हुआ ना, मैंने पीडीएफ दे दी ना आपको, पार्ट नंबर 12 में दे दी ना, वैसे ही मैंने 25 सेट करा दूं मैं कोडिंग डिकोडिंग के, आपको पीडीएफ मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, एग्जाम पास में आ रहा है, अपने आप को हेल्दी रखो, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।